तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी में वॉलपेपर सर्विस एक ऐप होती है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उसके साथ साथ बताने वाला हूँ कि वहां पर जो वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पर लगते हैं उसको भी अपडेट कर दिया गया है, या बोल सकते हैं उसको भी लेटेस्ट अपडेटेड में नए नए वॉलपेपर एड ऑन किए गए। आगे आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आपको बताना है वॉलपेपर सर्विस के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन पे, वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे आपको वॉलपेपर सर्विस का एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे आपको वॉलपेपर सर्विस का एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं ये नया अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा है। ऊपर नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस वर्जन नंबर है इस ऐप का 3.3.06.21 और इसको रोल आउट किया गया है 17 फरवरी और इसका साइज है 29 MB का। अब एक्चुअल में ये वर्क क्या करता है वही बता दूं, पहले कर लेते हैं इसको अपडेट। इसका काम क्या क्या है, शो अ डिफरेंट वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन ऑन ईच स्क्रीन ऑन स्वाइप लेफ्ट एंड राइट। लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगते हैं उसको मेंटेन करने के लिए इस वॉलपेपर सर्विस को दिया जाता है। एक डायनामिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर मिलता है और ग्लैंस ऑन वॉलपेपर सर्विस ये इसके अंदर वर्क करती है। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपडेट हो चुकी है वॉलपेपर सर्विस। अब साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक दिन कुछ दिन पहले मेरे पास एक और यहाँ पर मैसेज आया था, या बोल सकते हैं एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पर आप देखेंगे अपडेटिंग डायनामिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, यहाँ पर नए अपडेट्स हुए, मतलब कि वहां पर नए वॉलपेपर एड ऑन किए गए। तो आप इन वॉलपेपर सर्विस के अंदर आपको डायनामिक लॉक स्क्रीन मिलता है, उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग पे, यहाँ जाना है वॉलपेपर इन स्टाइल पे, यहाँ जाना है आपको ब्राउज माई वॉलपेपर पे और नीचे की तरफ आएंगे आपको वॉलपेपर सर्विसेज मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर तीन सर्विसेज मिलती है, डायनामिक लॉक स्क्रीन, ग्लेंस ऑन सैमसंग, सैमसंग ग्लोबल गोल्स, और आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पर आप देखेंगे डायनामिक लॉक स्क्रीन में नए वॉलपेपर आए, तो आपने यहाँ सेटिंग पे करके जो भी आपने चूज करना है, जिस जिस कैटेगरी को आपको चूज करना है उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है, जिनके वॉलपेपर आप लगाना चाहते हैं उनको यहाँ पर चूज कर लीजिए और वो वहां पर एड ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये नए वॉलपेपर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और इसमें भी लिखा भी हुआ है न्यू इमेजेस एवरी 2 वीक यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं और ये हो चुका है अपडेट। अब इसको कैसे देखेंगे वो आपको यहाँ पर लॉक करना है मोबाइल को, लॉक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नए वॉलपेपर मिलने वाले हैं। जो पहले अभी इससे पहले अगर आपने लगाए थे वो अलग होंगे, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ कैटेगरीज भी चेंज करके देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कुछ अलग आते थे और अब यहाँ पर आपको अलग मिल रहा है। लाइक मैं अब ये लगाता हूँ और भी यहाँ पर आपको दिए हैं जिन जिन कैटेगरी को आप मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं और जो आप 5 लगाएंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप देखेंगे अब ये यहाँ पर पूरी तरह से अपडेट हो गया और आप यहाँ पर स्वाइप करके देखेंगे आपको यहाँ पर नए नए वॉलपेपर्स दिखने वाले हैं। तो वॉलपेपर सर्विस यही काम करती है कि जो लॉक स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर दिखते हैं, तो लॉक स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर दिखते हैं आप उसको यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वॉलपेपर सर्विस काम करती है ताकि जो भी आपके वॉलपेपर्स जैसे कि आप बार बार लॉक करके अनलॉक करेंगे तो वो इजीली आपके चेंज होते जाए, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसका मेन काम यही रहता है कि जो भी आपके वॉलपेपर दिख रहे हैं वो अच्छे से वर्क करें और विदाउट प्रॉब्लम, नहीं तो आपका मोबाइल हैंगिंग ना हो और भी कोई इश्यू ना हो, इजीली आपको वहां पर दिखें। तो मेन काम रहता है वॉलपेपर सर्विस का यही है। तो इसका एक नया अपडेट आया था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नए अपडेट में कोई भी नया फीचर एड ऑन नहीं किया गया, उसमें सिर्फ उसके सर्विस को एनहांस करते हैं। जब भी कोई नया अपडेट आता है अगर उसमें कोई फीचर एड ऑन नहीं किया हुआ तो आप समझ लो उसके अंदर कोई बग्स को फिक्स किया गया है और उसके ऐप में सर्विसेज या बोल सकते हैं उसके चलने के स्टाइल को एनहांस कर दिया गया है, उस ऐप को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है ताकि और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, या फिर कोई भी उसमें लैगिंग का इशू होगा वो यहां पर उन्होंने रिजॉल्व कर दिया गया। तो मेन काम इस ऐप का यही है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।